Assalamualaikum alaikum friends, how are you all? I hope you all are fine and doing well. So, today I'm here with a new recipe. Welcome to my YouTube channel, Desi Foods by Sobia Avan. So, don't forget to like, subscribe, and share my channel. And please press the bell icon so that you can get notification for the new videos. So, aaj hum banane ja rahe hain, ek sa white sauce pasta. This is half packet. पास्ता या मेकर ले लें आप एक कप क्रीम मक्खन दो टेबलस्पून चेडर चीज़ हाफ कप टू फिफ्टी ग्राम्स चिकन बोनलेस चिकन मोज़रेला चीज़ वन कप नमक एक टेबल स्पू वाइट पेपर एक टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च ड्राइड पार्सले एक टेबल स्पून ब्लैक पेपर वन टेबल स्पून काली मिर्च गार्लिक पाउडर वन टेबल स्पून और वन टेबल स्पून तेल आपने ले लेना है कुकिंग ऑयल हो या तो ऑलिव ऑयल हो कोई भी ले लें ले, आप दो ग्लास आपने दूध के लेने हैं आप में ले लेना है एक प्याज चार मशरूम और थोड़े से ऑलिव्स अब एक पतीले में चार गिलास पानी डाल लें उसमें एक चम्मच नमक और एक चम्मच ऑयल डाल दें और पानी को उबलने के लिए छोड़ दें जैसे ही उबला आए आपने पास्ता या मेकरोनी इसमें उबलने के लिए छोड़ देना है पाँच से सात मिनट लगेंगे आप चेक करते रहिएगा मैंने छुरी से इस तरह से चेक किया है और ये मेरे मैक्रोनी पास्ता जो है वो गल गए हैं अब मैं मज़ीद एक से दो मिनट और पकाऊँगी इसके बाद मैंने इसको छान लिया है छानने के फौरन बाद आपने इसमें दो गिलास ठंडा पानी डाल देना है और बहुत अच्छे से हिला लेना ले ले है ताकि चिपके ना जी तो अब ये चौ, एक प्याज लेकर मैंने उसको बारीक चॉप कर लिया है इसी तरह से मैं मशरूम को भी कट कर लूँगी एक पैन में दो से चार चम्मच डाल देने हैं आपने तेल के और उसमें प्याज भून कर चिकन डाल लेनी है चिकन के गोल्डन होने तक आपने इसको पकाना है उसके बाद एक चम्मच नमक डाल दें एक टेबल स्पून काली मिर्च डालनी है और आधा टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च आधी हम बाद में डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल के चिकन गल जाने तक आपने कवर करके रख देना है उसके बाद जैसे ही आपको तो लगे चिकन गल गया आपने मशरूम्स और ओलिव्स डालकर दो से तीन मिनट के लिए फ़्राई कर लेना है जी अब बारी है वाइट सॉस बनाने की दो ग्लास दूध डाल दिए हैं मैंने बॉयल आने के बाद एक कप क्रीम डाली है थोड़ी देर पकाना है इसको मिक्स करना है अब आपने मक्खन डाल देना है बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपने इन सब चीज़ों को अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च एक चम्मच गार्लिक पाउडर एक चम्मच, हाफ टेबल स्पून वाइट पेपर डाल है आधा टेबल स्पून नमक डालना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एक कप मोजरेला चीज़ डाली है मैंने उसके बाद आधा कप चेडर चीज़ आप चाहें तो सिर्फ मोजरेला भी डाल सकते हैं पीटर की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो है ये चीज़ अच्छे से घुल जाए इसमें पार्सले और ओरिगानो एक एक चम्मच डाला है मैंने पकी हुई चिकन जो हमने बनाई थी वो मैंने डाल दी है इसके बाद मैं पास्ता डालूँगी पास्ता डालने के बाद तीन से चार मिनट तक आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है जी तो मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता तैयार है जी तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अल्लाह हाफि